मालेगांव दो नंबर ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में आज से तृणमूल के पंचायत सदस्य श्रीमती छुंकू लामा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आज एक कार्यक्रम के बीच ब्लॉक प्रशासन की उपस्थिति में छुंकू लामा को प्रधान पद का शपथ दिलाया गया है। ज्ञातो की पिछले पंचायत चुनाव में जयगांव दो नंबर ग्राम पंचायत में तृणमूल ने ही पूर्ण बहुमत के साथ बोर्ड गठन किया था और तृणमूल के चिन्ह से विजय फुरवालामा को जयगांव दो नंबर ग्राम पंचायत का प्रधान और विष्णु कर्मकार को उप प्रधान बनाया गया था। मगर इसी बीच जहां गत वर्ष उप प्रधान विष्णु कर्मकार का निधन हो गया था, वहीं तृणमूल से विजय प्रधान फुरवालामा मोहन शर्मा के साथ तृणमूल को त्याग भाजपा में चले गए थे। इधर फुरवालामा के भाजपा में चले जाने के बाद 19 ग्राम पंचायत वाले इस पंचायत में 12 तृणमूल समर्थन वाले पंचायत के द्वारा फुरवालामा के खिलाफ 28 जून के रोज अविश्वास प्रस्ताव बुलाया गया था, जहां भाजपा के एक भी पंचायत के उपस्थित न रहने से यह अविश्वास प्रस्ताव फुरवालामा के खिलाफ पारित हो गया था, जिसके बाद तृणमूल ने एक बार फिर जयगांव दो नंबर ग्राम पंचायत में अपना कब्जा कर लिया था। जयगांव दो नंबर अंचल के तृणमूल सभापति अब्दुल मानिक मियां ने कहा कि आज से पूर्ण रूप से जयगांव दो नंबर ग्राम पंचायत में तृणमूल का कब्जा हो गया है। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से आज श्रीमती छुंकू लामा को प्रधान का भार सौंपा गया है, हालांकि आज उप प्रधान की घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द उप प्रधान के लिए भी सर्वसम्मति से फैसला कर उप प्रधान की घोषणा की जाएगी। इधर जयगांव दो नंबर ग्राम पंचायत के नए प्रधान श्रीमती छुंकू लामा ने कहा कि आज उनके ऊपर जो भरोसा पार्टी ने दिखाया है उस पर वो खड़ा उतरने की पूरी चेष्टा करेंगी। आज पश्चिम बंगाल का मानवीय सरकार ममता दीदी का सैनिक का होने का नाते जिस तरह से पूरा बंगाल की अंदर नेतृत्व दे रहा है, उनका देखते हुए आज हम लोग सैनिक होने का नाते जयगांव दो नंबर अंचल कमेटी उपस्थित में हम लोग का कोर कमेटी साथ हम लोग का जीपी वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी मेंबर समस्त उपस्थिति में हम लोग का जीपी टू चेयरमैन गणेश बहादुर प्रधान हमारा उपस्थित हमारा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हमारे रजवली महाशय साथ उपस्थित ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट शशिकांत सिंह ओंगेल लामा हम लोग का जनरल सेक्रेटरी जीपी टू का तारक सानू जितने भी उपस्थित कार्यकर्ता हम लोग का पंचायत मेंबर हम लोग का जितने भी पंचायत मेंबर नाइस से शुरू करके सफीकुल से शुरू करे हफीजुल से जितने भी है उपस्थिति में आज साबित हो गया तृणमूल कांग्रेस का आज प्रधान गठन हुआ है सबका समर्थन में जो उनका नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हम लोग का मृदुल गोस्वामी जो उनका नेतृत्व में जो आज जो उनका जो नेतृत्व में पासंग लामा श्री हम लोग का ये कोऑर्डिनेटर हम लोग का ब्लॉक सभापति गणेश महाली उन लोग का नेतृत्व में गंगा प्रसाद शर्मा उन लोग का नेतृत्व में आज हम लोग का सफल हो गया है। मैं इतना बोलना चाहता हूँ आज का जो ये प्रधान गठन हुआ है मानविक सरकार का मानविक प्रधान जो आगामी दिन में जो जयगांव का जो परिस्थिति है ट्रेड लाइसेंस से लेके रेसिडेंशियल से लेके जितने भी समस्या जो 100 वर्कर्स का जो जितने भी लेबर काम जितने भी समस्त आगामी दिन में पूरी अच्छी तरह से काम करेगा और सब मिलके हम लोग एक साथ होके जयगांव का कल्याण के लिए जयगांव को उन्नयन के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेगा हम लोग तैयार है। आज मानविक सरकार का मानविक जो आज जीपी2 का प्रधान हुआ हम लोग का छुंकू लामा हम लोग का मैडम जो इनका ऊपर में बड़ा दायित्व आया है हम लोग भी चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस हम लोग का कोर कमेटी जितने भी हम लोग भी चाहते हैं इनको साथ में आगामी जो 2.5 साल का जो अभी पद है ये 2.5 साल का अंदर में जो विगत दिन में जो हाल हो गया है जो कल का दिन में ऐसा ना हो पब्लिक के लिए सोशली अच्छी तरह से एकदम काम करे यही हम लोग का उम्मीद है। और ये किसको बनाया गया उप प्रधान का जो अभी हम लोग का आज प्रधान गठन हुआ है जो उप प्रधान है हम लोग का और भी कमेटी है तो ये हम लोग आगामी 1 वीक के अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है हम लोग का श्री मृदुल गोस्वामी महाशय हम लोग का कोऑर्डिनेटर है पासंग लामा हम लोग का ब्लॉक सभापति है गणेश महाली हम लोग का गंगा प्रसाद शर्मा जी हैं सबसे बैठ के बातचीत करके हम लोग का कोर कमेटी है हम लोग का चेयरमैन है सबका साथ में सलाह करके बातचीत करके आगामी दिन में जो मानविक सरकार बोलाई तो है मानविक सरकार का हम लोग का सैनिक का हिसाब से जिस तरह से अच्छा होगा उसी तरह से हम लोग का अगला कमेटी भी होगा। सुनने में आ रहा है कि जो पंचायत बच गया उन लोग भी ज्वाइनिंग करने का बात चल रहा है उसको लेकर क्या बोलेंगे जी? देखिए ये हम लोग का हाई लेवल है हाई कमान है
जो हाईकमान जो निर्देश करेगा उसको हम लोग को स्वीकार करेगा। कुछ दिन पहले आप लोग ने देखा है मीडिया का अंदर में जो गंगा प्रसाद शर्मा जो दीदी का नेतृत्व में दीदी का चाहत में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ज्वाइन किया तो हम लोग एक्सेप्ट किया। तो आज जो पंचायत अगर कोई अगर ज्वाइन करेगा तो आगामी जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है मिदुल्ला, उसके बाद में पसंग लामा है, गणेश महाली है, हम लोग का इसमें खुशी ये नहीं है। और आप लोग संपर्क में है क्या पंचायत में? पंचायत तो देखिए कुछ तो है संपर्क में आया है जो उन लोग का कुछ एक्सेप्ट किया है जो हम लोग दीदी का जिस तरह से हम लोग सोचा और जिस तरह से आज उन्नयन हो रहा है तो उसके देखते हुए उन लोग है कुछ ऐसा कुछ आया है। तो आगामी दिन में जो ऊपर का डिसीजन लिया जाएगा वही हम लोग करेंगे। हम लोग का यहाँ पे उपस्थिति में हम लोग का आज का पंचायत जो है 12 का 12 साथ और भी 2 आया 14 पूरा उपस्थिति में आज प्रधान गठन हुआ है यही है। सबैलाई नमस्ते। एउटा कुरा के छ भने अञ्चल कसरी चलाउनु पर्नेछ यो कुरो चाहिँ म हामीलाई अञ्चल अब कसरी चलाउनु पर्नेछ हामी 2.5 वर्षमा हामी चलाउँछौँ सबैलाई लिएर हामी सँगै हुन्छौँ र हाम्रो जतिजना 12 जना मेम्बर छ हामी सबैजना सँगै मिलेर सबैजना भएर काम गर्छौँ। कसरी डेभलप गर्नु छ जो जसलाई जे जे प्रब्लम छ जनताहरूलाई त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नुलाई हामी कोसिस गर्छौँ र जति सक्दो छ हामी राम्रै काम गर्ने कोसिस गर्छौँ र हाम्रो सिनियर हाम्रो नेता यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र हाम्रो कोअर्डिनेटर पासङ जो हुनुहुन्छ र ब्लक सभापति गणेश माले दाजु उहाँलाई पनि धन्यवाद र हाम्रो जिपी2को प्रेसिडेन्ट अब्दुल मालिकजुलाई पनि धेरै धन्यवाद छ र मेरो मिनिम 12 जना मेम्बरहरूलाई सबैलाई धेरै धन्यवाद छ र यति नै हो आज म भने म पछाडि काम गरेर चाहिँ जिपी2को नाम चाहिँ रोसन गर्न चाहन्छु र पार्टीको नाम रोसन गर्न चाहन्छु।